इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड कप 2023 का धमाकेदार आगाज। न्यूजीलैंड ने 4 साल बाद लिया बदला, इंग्लैंड को बुरी तरह से रौंदा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ओपनिंग मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 2 धांसू शतक भी लगे। दोनों सेंचुरी न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने लगाई। क्या दोस्तों, बात करते हैं इस मैच के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 का तूफानी आगाज में हुआ है और पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। या दोस्तों, बात करें इस मुकाबले की तो दोस्तों 4 साल बाद वनडे मुकाबला जब खेला गया तो दोनों ही टीमों के बीच जब ये खेला गया, इसमें केन विलियमसन नहीं थे और खेले गए उनकी गैर मौजूदगी में। दोस्तों, विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लेथम ने कमाल संभाली। लेथम ने टॉस जीतकर मैच में पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में इस मैच को गिरते पड़ते 9 विकेट गंवाकर 282 रन ही बना सके। टीम के लिए जो रूट ने 86 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान जोस बटलर 43 रन और जॉनी बेस्टो ने 33 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, जबकि मिचेल सेंटनर और ग्लेम फिलिप्स को 2-2 सफलता मिली। ठीक वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, कॉनवे और रविंद्र ने जड़े तूफानी शतक। मैच को जीतने के लिए न्यूजीलैंड टीम के सामने 283 रनों का टारगेट था। इसके जवाब में टीम ने 10 रनों पर ही विल यंग के रूप में पहला विकेट गंवा दिया था, मगर उसके बाद डिवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने मोर्चा संभाला और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धुलाई शुरू कर दी। पहले दोनों ने अपनी 50 पूरी, इसके बाद दोनों ने अपने अपने शतक भी जमा दिए। पहले स्टार ओपनर डिवॉन कॉनवे ने तूफानी अंदाज में शतक जमाया, उन्होंने 83 गेंदों में यह शतक जमाया। उस दौरान कॉनवे ने 2 छक्के और 13 चौके भी जमाए। इसके बदौलत न्यूजीलैंड ने 27 ओवर में ही 200 में 1 विकेट खो दिया था। ठीक वहीं दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि न्यूजीलैंड ने 36.2 ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया, मगर मैच में ओवरऑल कॉनवे ने 152 और रचिन ने 123 रनों पर की नाबाद पारी खेली। कॉनवे ने कुल 3 छक्के और 19 चौके जमाए, जबकि रविंद्र ने दोस्तों अपनी पारी में 5 छक्के और 11 चौके लगाए। इसके दम पर न्यूजीलैंड ने 1 विकेट गंवाकर 36.2 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के लिए एकमात्र विकेट सैम करन ने लिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।